अपूर्ण खेती अपूर्ण ज्ञान सुख समृद्धि और समाधान। खेती बाड़ी किसान साथियों, बदलते दौर के साथ खेती में भी कई बदलाव आपने और हमने देखे हैं। जहां पहले खेती पारिवारिक सहयोग और श्रम से की जाती थी, दौर बदला, बटाई और मजदूरों से खेती होने लगी। आज न पारिवारिक सहयोग और श्रम है, न बटाई। मजदूरों का मिलना तो हमारे पहाड़ों में अब बड़ी चुनौती है। लेकिन तकनीक के इस युग में खेती में हमारा साथ दे रहे हैं कई मशीनी उपकरण, जिससे पहाड़ में खेती का स्वरूप फिर उभर के आ रहा है। कृषि यंत्रीकरण का फायदा आप तक पहुंचे, इसके लिए कृषि विभाग किन योजनाओं को आप तक ला रहा है, बता रही हैं कृषि विभाग की सीओ सुमित्रा जी। कृषि विभाग जो है कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कृषकों को जागरूक कर रहा है, और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक पहली योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसका एक घटक है कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे किसान हैं, लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वृहत किसान हैं, वो सभी अपनी इच्छानुसार या जो भी उनकी खेती में जिन भी यंत्रों का प्रयोग होता है वो क्रय कर सकते हैं, और जो भी यंत्र वो क्रय करते हैं उसमें एक नियत उसमें अनुदान की राशि है, या फिर उसमें 50% का अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो वो अपनी इच्छानुसार वो पावर वीडर, पावर स्प्रेयर, कल्टीवेटर, टिलर, पावर स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, यानी कि जो भी यंत्र उनकी खेती बाड़ी के लिए काम में आते हैं उसका वो क्रय कर सकते हैं, और इसमें सरकार की तरफ से इनको 50% का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और योजना चलाई जा रही है SMM, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस योजना के अंतर्गत भी जो है वो कृषि यंत्रों का वितरण किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है फार्म मशीनरी बैंक। जैसा कि इसके नाम से ही हो रहा है कि एक फार्म मशीनरी बैंक का मतलब पूरा एक समूह के रूप में इसको संचालित किया जाएगा। इसमें जो भी किसान इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो हमारे जितने भी निकटस्थ कृषि निवेश केंद्र हैं, कृषि भूमि संरक्षण कार्यालय है या मुख्य कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसमें जो भी फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत जो यंत्र दिए जाएंगे वो समूह में कृषकों को दिए जाएंगे। एक समूह में कम से कम जो है वो 8 कृषक या इससे अधिक कृषकों का होना अनिवार्य है। ये एक खुली बैठक होगी, इसमें इस समूह का गठन होगा, और साथ ही साथ उसमें जो समूह के जो सदस्य हैं वो यंत्रों का चयन करेंगे कि कौन कौन से यंत्र में उसका उनको क्रय करना है, तो वो यंत्र वो क्रय कर लेंगे। और इस योजना के अंतर्गत जो किसानों के समूह या फार्म मशीनरी बैंक का जो समूह है उसको 80% अनुदान की सब्सिडी विभाग की तरफ से दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बहुत सारे कृषक हमारे पास आ रहे हैं आवेदन लेकर के, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने जिले में ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे आच्छादित करें और ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो। खेती कभी खत्म नहीं होगी। खेती का स्वरूप, तरीके व तकनीक ये जरूर बदलते हैं, और सरकार भी इस तरफ प्रयासरत है। इसलिए किसान भाइयों, 80% सब्सिडी मिल रही है, लेकिन इसके लिए आपको समूह निर्माण व कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। क्या है जरूरी बातें, आइए समझते हैं। समूह का गठन करने के लिए वो जो है वो एक खुली बैठक उनको करनी है, अपने जो भी उनके जनप्रतिनिधि उनके समक्ष एक खुली बैठक कर लें। ग्राम प्रधान भी हो सकते हैं, क्षेत्र पंचायत भी, या जो भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हों। वो खुली बैठक में जितने भी गांव के किसान हैं वो उनके उसके तहत एक बैठक होगी और एक समूह का गठन किया जाएगा, और उसी में उस बैठक में प्रस्ताव जारी होगा कि ये समूह आज यहाँ पर इस दिनांक को बनाया गया है और इसमें ये सारे ये सदस्य चयन किए गए हैं। उसमें एक अध्यक्ष बनेगा, एक सचिव बनेगा और एक अध्यक्ष बनेगा, और साथ में जितने भी किसान होंगे वो उसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो अगर वो किसानों का समूह जो इतना सक्षम है कि वो 20% अनुदान विभाग को दे सकता है और 80% अनुदान उनको दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक और सुविधा है किसानों के लिए कि वो जितनी भी धनराशि का लेना चाहते हैं उसका वो बैंक के माध्यम से फाइनेंस कर लें, तो जो 80% राशि है वो विभाग की तरफ से उनके अकाउंट में चली जाएगी और बाकी 20% जो है वो जो उन्होंने लिया अपना अकाउंट के रूप में लोन के रूप में तो वो धीरे धीरे कटती रहेगी। तो एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इस फार्म मशीनरी बैंक की जो कुल लागत है वो करीबन वो 10 लाख की है, जिसमें 8 लाख रुपए विभाग की तरफ से और 2 लाख जो है वो किसानों को देना है। 10 लाख जो है वो अधिकतम की राशि है। किसान चाहे तो अगर उसको कम यंत्रों की आवश्यकता है तो वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, इसके अंतर्गत भी वो अपने फार्म मशीनरी बैंक समूह का निर्माण कर सकता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल सटीक है कि जो जिस भी अमाउंट का वो फार्म मशीनरी बैंक का गठन करेगा उसमें उसके अंतर्गत जितना
जितना भी 80% अनुदान में जो धनराशि आती है वो उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो किसान भाई जो भी इसके लिए इच्छुक हैं वो एक बैठक करा लें, सदस्यों का चयन कर लें, यंत्रों का चयन कर लें और उस समूह का जो है वो एक बैंक अकाउंट भी खोल लें ताकि वो जो भी लेन देन होगा तो वो अच्छा होगा उसके लिए। योजनाओं की जानकारी, समूह निर्माण प्रक्रिया, ये सब तो हो गया, लेकिन अब कहाँ जाएं? आपके इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा आपके ब्लॉक स्तर पर। बता रही हैं फिर से कृषि विभाग की सीईओ। किसान भाई जो भी जिस भी ग्राम में रहते हैं उनके निकटस्थ जो भी न्याय पंचायत पड़ती है वहाँ के न्याय पंचायत के कृषि निवेश केंद्र पे वो संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ब्लॉक लेवल पे हमारे कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय स्थित, तो वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं और जिन किसानों को सुविधा हो वो विकास भवन में स्थित मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी किसान इसके लिए इच्छुक हैं वो संपर्क करें और वो बैठक करा लें, उसके बाद से जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जो भी उसमें अटैचमेंट्स वगैरह लगने हैं उनकी खसरा खतौनी लगनी है, पास आधार नंबर लगना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, तो वो सारा वो संबंधित सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से वो जमा कर देंगे और उसके बाद से उनको जो भी अनुदान है वो दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी यंत्र वो क्रय करके लाएंगे उसका वेरिफिकेशन भी किया जाना है हमारे विकास खंड स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग भी उसका निरीक्षण करेंगे। जरूरतमंद किसानों के समूह तक इस योजना का लाभ मिले इसके लिए पारदर्शिता का भी ख्याल रखा गया है। क्या है पारदर्शिता के मानक, आप भी सुनिए। इसमें इस योजना के अंतर्गत प्राविधान है कि जो भी समूह है उसको एक एफिडेविट जो है वो जमा करना है। एफिडेविट में उनको अपना पूरा नाम पता, अपने फर्म का नाम पूरा लिखना है, जितने भी सदस्य होंगे उनका उसमें अंकन होगा और साथ ही साथ उन सभी को शपथ लेनी होगी कि जो भी वो यंत्र क्रय कर रहे हैं फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 5 साल तक उसका जो है वो उसका जो है विक्रय किसी भी स्तर से नहीं किया जाएगा और 5 साल के होने के बावजूद ही उसमें कुछ अगर कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक कराया जाए और बेचने और विक्रय करने का ऐसा कोई प्राविधान नहीं होगा और एफिडेविट के रूप में समूह को लिख के देना पड़ेगा और इसके विरुद्ध अगर कोई करता है तो विभाग उस पर कार्रवाई करेगा और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि कृषि निदेशालय पे जो भी फर्में हैं जो कि उनके स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके आधार पे वो पंजीकृत किए जाते हैं, तो पंजीकृत की श्रेणी में जो भी फर्म है वो चाहे अल्मोड़ा में स्थित है, नैनीताल में स्थित है, रामनगर, हल्द्वानी, यानी किसानों को जहां कहीं भी सुविधा हो वो बस इतना ही करना है कि वो फर्म हमारे कृषि निदेशालय के अंतर्गत वो पंजीकृत हो, वहां पे वो संपर्क कर सकते हैं और वहां से उन्होंने यंत्रों को क्रय कर सकते हैं और उसके बाद से उनकी सूची और उनकी वेरिफिकेशन के बाद से जो है वो सब्सिडी का अमाउंट उनके खाते में दिया जाता है। दोस्तों, एक दौर वो भी था जब कहा जाता था पहाड़ की खेती में हड्डियां तोड़नी पड़ती हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक तकनीक हमें कृषि में नई संभावनाओं को सामने ला रही है। आप भी बढ़ाएं कदम और अपने रेडियो दोस्त जितेन को इजाजत देने से पहले सुने काम की बात। सभी किसानों से अनुरोध है कि ये बहुत अच्छी योजना है फार्म मशीनरी बैंक की, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं क्योंकि पलायन भी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक आपका ये रोजगार का भी साधन बन सकता है क्योंकि जो भी आप यंत्र लेंगे वो आप अपनी खेती बाड़ी में उपयोग करेंगे, उसको मड़ाई करेंगे, आप खेत की जुताई कर सकते हैं, थ्रेशिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो आपके निकटस्थ ग्राम के लोग हैं या अपने ग्रामवासियों के वहाँ भी उसको काम करके कहीं ना कहीं वो आपकी 1 घंटे या 2 घंटे अगर उनके वहाँ काम करते हैं तो उसके से भी आप आय का अपना सृजन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पावर टिलर दिया वहाँ पे 1 घंटे के लिए तो उसके लिए 300 रुपये या 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अगर आप उसका कुछ नियम तय कर दें तो उसके हिसाब से आपको आय का सृजन भी हो जाएगा, तो पूरे समूह को भी का फायदा मिलेगा और जो आपके निकटस्थ ग्रामवासी हैं, कृषकवासी हैं, वो भी इसका फायदा ले सकेंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और इस योजना से लाभान्वित हों।